you would like to. So your opinion's talking big like somebody's listening. Nobody's listening. Hey guys, welcome back to my new video. Hope आप सभी अच्छे होंगे. ले तो आप ये देखिए. So this is our unplanned trip. हमारी कोई प्लानिंग थी, हम कहाँ पे जा रहे हैं कहाँ पे नहीं जा रहे हैं. तो मैं व्लॉग पहले बना नहीं पाया तो हमने सीधा दोष रोक लिया कार आके. हमने पिछली बार भी यहीं का प्लान बनाया था जो कि हम जून जुलाई में आए थे. तो उस टाइम अगर आपने पिछले व्लॉग देखे होंगे हमारे तो बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं थी, बट सर्दियों में यहाँ पे बिल्कुल बर्फ ही बर्फ हुई पड़ी है. रास्ते देखो. तो गाइस सीन है ऐसे, तो उसका रास्ता यहाँ से है 2-3 किलोमीटर और हमने कार नीचे पार्क कर दी है क्योंकि सारे रास्ते में बर्फ बर्फ है. तो नया ड्राइवर यहाँ पे चला नहीं सकता, मतलब लोकली यहाँ पे ऊपर नीचे जाते हैं, बाहर से बंदे नहीं लेकर जा सकते ऊपर का, मुश्किल हो जाता है. ये देखो बिल्कुल फ्रेश स्नो पड़ी हुई है यहाँ पे. सर्दियों में तोश ऐसा दिखता है कुछ. तो जो पिछली बार हमारे साथ तोश आए थे इस बार भी वही है. कृष्णा भैया हाय, हेलो गाइस. ये देखो ऋतिक, अभिषेक भैया. और रास्ते में आते आते स्नोफॉल होने लगी है. पहली बार स्नोफॉल देख रहे हैं हम, सारे पहली बार देख रहे हैं. तो गाइस सबका पहला एक्सपीरियंस है स्नोफॉल पे, आपको कैसे का लग रहा है यहाँ पे? भाई सबसे मस्त इस बार. हाँ ऋतिक, तुझे कैसे का लग रहा है? भाई मैं यार मैं सारे कपड़े तो यहीं पे गिले होने लगे, फोन वगैरह सब कुछ गिले. के लिए हम यहाँ पे आए थे, फाइनली स्नोफॉल हो ही गई. मेरे बालों में पूरी स्नो, कपड़ों में स्नो पूरी. भाई हाथ तो पूरे मेरे लाल हो चुके हैं, गिले हो जाएंगे जल्दी. चलो क्या सीन है, क्या व्यू है, देखो बर्फ कैसे गिरी हुई है. तो फील आ रही है जैसे पता नहीं कहाँ पे फॉरन में पहुंच गए हम. ओ पैर ही अंदर चला गया. साइड हो जाओ यार, जहाँ पे भी पैर रखो पैर ही अंदर जाई जा रहे हैं. तो फाइनली तोश पहुंच चुके हैं. ध्यान से जाइए नीचे ना पहुंच ही जाएगा. वो देखो काम से आ रहा है बेचारा. तोश पहुंच चुके हैं, अब यहाँ पे अच्छा सा होटल ढूंढते हैं और वहाँ पे स्टे करते हैं. और यहाँ पे दुख की बात ये है, 4 दिन से यहाँ पे लाइट नहीं है. तो देखते हैं क्या सीन रहता है अभी. तो ये है तोश की गलियाँ, गिर गिर के पहुँच रहे हैं यहाँ पे. नो 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 नो, चल 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 चल. वाओ व्हाट अ व्यू. बस हो गई यहाँ पे, ऊपर से स्नोफॉल ऊपर से ट्रैकिंग. तो गाइस हम होटल अपने पहुँच चुके हैं और जहाँ पे हमने पिछली बार स्टे किया था इस बार भी वहीं पे सीधा आके रुके हैं और रूम मिल गया हमें. और ये कुछ व्यू है यहाँ का. पहली बार मुझे याद है हम यहीं पे बैठ के हमने स्नैक्स वगैरह खाए थे, बट इस बार देखो बर्फ ही बर्फ पूरी. यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा. तो ये हमें रूम मिला यहाँ पे और ये व्यू रूम के बाहर का. ये हमने स्नो में बनाया यहाँ पे. ये देखो क्यूट सा स्नोमैन बनाया हुआ है. तो गाइस हमने यहाँ पे आके कपड़े कपड़े चेंज किए अपने और तब तक यहाँ पे स्नो भी रुक गई है. आपको तब तक यहाँ पे दिखाता हूँ. यहाँ पे देखो व्यू देखो, अब स्नोफॉल रुक चुकी है. स्नोफॉल के बाद का व्यू देखो यहाँ पे.
वो देखो बादल फंसे हुए वहां पे। The next morning. तो गाइस सुबह के 8 बजने वाले हैं, बट यहाँ पे मौसम अभी वैसा ही है, स्नो अभी भी पड़ रही है। पहले हमें इतना शौक था स्नोफॉल देखने का, बट जब से हम आए हैं यहाँ पे अपने रूम में बैठे हुए हैं, कल रात को सो गए, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी ना, तो अभी उठ के देखा अभी भी स्नो उतनी ही हो रही है। तो जितना भी शौक था स्नोफॉल देखने का सारा वहीं पर उतर गया, और हमें अब टेंशन ये है हम जाएंगे कैसे वापस। ये देखो अभी भी स्नोफॉल हो रही है। और ये हमारे होटल का टेरेस है, यहाँ पे देखो कुर्सियाँ कैसे बीच में धस गई है, पूरी स्नो देखो कितनी पड़ी है। ओ भाई ऋतिक हाथ फाड़, ऋतिक हाथ फाड़, स्नोमैन इन मेकिंग बड़ा या बनाना जाओ दूर पहाड़ियों से बर्फ के सब स्नोमैन बना रहे हैं बर्फ का लुफ्त उठाते हुए। अब हमने सोचा है कि एक बड़ा सा स्नोमैन यहाँ पर बना के जाएंगे ताकि हम याद रहे, एक यादगिरी बनाने लगे हैं हम। भाई इतना मजा आ रहा है क्या बताऊँ आपको यार, ये व्यू देखो आप, ये गाड़ियां मतलब पूरी बर्फ से ढकी हुई है, इतनी इतना मजा आ रहा है। आजा आए देखिए भाई, एंजॉय तो ये कर रहे हैं। तो अब हम वापस जाने लगे हैं क्योंकि मुझे पता है इस बारी वीडियो में कुछ खास था नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्नो की वजह से सब कुछ बंद पड़ा हुआ है और हम भी रूम में जाके फंसे ही हैं, और आज स्नोफॉल इतनी हो रही है, हमने कहा हम टाइम से निकल जाए नहीं तो यहाँ पे फंसने वाला काम हो जाएगा। आई नो इस बार वीडियो अच्छी नहीं बनी है, बट स्नो का मज़ा आप सबने लिया है, तो ऐसे होता है विंटर्स में तोश। वो देखो पीछे, फिलहाल हम अपनी कार के पास जा रहे हैं, यहाँ पे पार्किंग लगाई है, वहाँ पे जाकर देखते हैं कार का क्या हाल है, निकल सकती है कि नहीं, फिर वहाँ पे देखेंगे किसी को बुलाएंगे कार निकालने के लिए। भाई ये पेड़ देखो भाई, ऐसे लग रहा है कोई फिल्म सिटी का सेट है कोई। किद्दा दी फीलिंग आ रही है, मजा आ रहा है, दिल कर नहीं रहा पता ना यार, वैसे हम चार अकेले ही निकले हुए है ना, कोई दिख भी नहीं रहा। तो गाइस यहाँ पे किसी की टैक्सी फंस गई है, बेचारा पीछे आई यार, आगे तो क्या जाएगा, मैं ही साइड हूँ। मुश्किल है, मुश्किल है, पेट्रोल है। तो गाइस फाइनली हम नीचे परेशानी में पहुंचे हैं, और यहाँ पे कुछ ऐसा हाल है, कार हमारी बिल्कुल बर्फ बर्फ हुई पड़ी है, ऊपर देखो यहाँ से अभी साफ की है हमने, और ये भाई लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं कार निकालने में। हमारा सारा ट्रिप अच्छा गया है, बट सबसे मुश्किल काम है अभी यहाँ से कार निकालनी, पूरा नीचे तक जाना क्योंकि सारी तरफ स्नो स्नो फॉल हो रही है। वो देखो स्लिपरी है बहुत, अपने वाल काट ले।